आज हम पनीर, शिमला मिर्च और प्याज की बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनाएंगे। आप भी इस तरीके से ट्राई करके जरूर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर को इस तरह क्यूब में काट लिया है, 2 शिमला मिर्च को इस तरह से काट लिए हैं और 2 बड़े साइज के प्याज इस तरह से काट लिए हैं। ये एक प्याज है क्योंकि जो अंदर वाला छोटा हिस्सा था उसको मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। ये पनीर को एक बाउल में डाल लेते हैं और इसके ऊपर आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे और आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च डालेंगे, आधा नींबू का रस डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ मैंने 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 लहसुन की कली ली हैं। इनको हम पीस के इनका पेस्ट बना लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल डालेंगे और सबसे पहले हम प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, लेकिन हमने इनमें क्रंच रखना है। और ये देखिए हल्का इनको हमने फ्राई कर लिया है, तो अब निकाल लेते हैं। और हम इसी तेल में पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई होने में 4-5 मिनट लग जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने पनीर को हार्ड नहीं करना है, पनीर की सॉफ्टनेस बनी रहनी चाहिए। और ये देखिए इसको भी फ्राई कर लिया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है इसी में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और ये देखिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 तेज पत्ता, छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, 5 लौंग है और 7-8 काली मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे। खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, इससे इनका जो फ्लेवर है तेल में अच्छे से आ जाएगा। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरे को चटकने देंगे और ये 1 प्याज मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये इसमें डालेंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। 1 छोटी चम्मच इसमें बेसन डाल देते हैं। बेसन डालने से जो ग्रेवी का टेक्सचर है बहुत अच्छा बन जाएगा, गाढ़ी हमारी ग्रेवी बन जाएगी और ये जो बेसन है प्याज के साथ ही भुन जाएगा। और ये देखिए इसमें इस तरह झाग बन जाते हैं ना, इसका मतलब बेसन भी हमारा पक गया है। और ये देखिए प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम ये जो हमने टमाटर की ग्रेवी बना के रखी है इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम साथ में ही सूखे मसाले भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा धनिया पाउडर डालेंगे और ये 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। एक बार मिक्स कर देते हैं और अब 1/2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ी कसूरी मेथी ली है, इसको क्रश करके डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देते हैं। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, जरूर डालिएगा। और यहाँ मैंने 2 चम्मच फ्रेश मलाई ली है, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो मार्केट वाली क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर इसमें दही भी डाली जा सकती है। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं ताकि ये जो मसाला है जले ना। अब हम इसको ढक के 7-8 मिनट तक, जब तक इससे तेल अलग नहीं हो जाता, तब तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बीच में 2-3 बार चला भी देंगे। अगर आपको बीच में लगे मसाला जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के पका सकते हैं, लेकिन मसाले को पकाना बहुत अच्छा है, मसाले से तेल अलग हो जाना चाहिए। और ये देखिए इसको मैंने 7-8 मिनट पका लिया है और ये देखिए तेल अलग हो चुका है, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा बहुत अच्छा पक के तैयार हो गया है, तो इसमें हम 4-5 चम्मच पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। ग्रेवी में उबाल आने के बाद ये जो पनीर, शिमला मिर्च और प्याज हमने फ्राई करके रखा है ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डाल रही हूँ, आप ग्रेवी को जितनी भी गाढ़ी या पतली करना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसे ढक के 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे, 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और फिर बाद में 3-4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में इसको 2-3 बार चला भी देंगे। 3-4 मिनट सब्जी को मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और ये देखिए इस तरह की ये तैयार हो गई है। एक बार इसको मिक्स कर देते हैं और 3-4 मिनट के लिए अब हम इसे लो फ्लेम पे ढकेंगे और 3-4 मिनट बाद फिर से देखिए। और ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बन गई है, बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनके तैयार हुई है। अब इस पे
आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी डाल दीजिए। बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनके ये तैयार हुई है। इस तरह से ट्राई करके जरूर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, नान, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।